यह है OnePlus Nord 3, जिसके लॉन्च हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं और ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। और लॉन्चिंग के वक्त इस स्मार्टफोन का प्राइस था 34,000 रुपीज और अभी ये स्मार्टफोन बिक रहा है 30,000 रुपीज में। एंड बिलीव मी, दिस स्मार्टफोन इज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडियन मार्केट, बट इसका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखे ना तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord 2 की। मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि लोगों का स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहा है। किसी ने चार्जिंग पे लगाया हुआ था उस वक्त ब्लास्ट हो गया, किसी के बैग में रखे रखे फट गया और इस तरीके के बहुत सारे हमने केस सुने जिसपे OnePlus का कहना है कि ये यूजर्स की ही तरफ से गलती हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब OnePlus Nord 3 लॉन्च हुआ था तो लॉन्च होने के करीब करीब 1 महीने के अंदर ही इसके भी ब्लास्ट होने की खबर आई थी। बट बावजूद इसके ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा बिका है। OnePlus की इस Nord सीरीज का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखा जाए ना तो वो 40% रहा है और सच में ये बहुत ज्यादा है। मतलब इस स्मार्टफोन को पहले से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और ये चीज आपको Flipkart में भी देखने को मिल जाएगा, जहां ज्यादातर लोगों ने इस स्मार्टफोन का पॉजिटिव रिव्यू दिया हुआ है और मैक्सिमम लोग जिन्होंने इस स्मार्टफोन को खरीदा है इस स्मार्टफोन से संतुष्ट हैं। बट हाँ, कुछ एरिया में इस स्मार्टफोन को क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, आगे बात करेंगे उसके भी बारे में। तो देखो, कुछ तो खास बात है कि इस स्मार्टफोन को लोग इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज करके देखा जाए। तो मैंने भी इस स्मार्टफोन को यूज किया और सच में मुझे एनफ रीजन मिला है कि क्यों लोग इस स्मार्टफोन को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बट हाँ, इस स्मार्टफोन का कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है और ये चीज मैंने Flipkart के रिव्यू में भी देखा है और आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि क्यों इस स्मार्टफोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे वीडियोज बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ जाता है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Let's get started. Okay, so first let's start with the design. तो डिजाइन अगर देखा जाए तो मुझे स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा लगा है। ये स्मार्टफोन दो कलर में आते हैं और दोनों ही कलर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। मेरे पास है ये ब्लैक वाला, बट ये ब्लैक वाला मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जितना दिन मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया है बिना कवर के यूज किया है, और अगर आप बिना कवर के इस स्मार्टफोन को यूज करेंगे ये खास करके ये ब्लैक कलर वाला, तो ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है क्योंकि फ्रॉस्टेड ग्लास बैक जो है इसका वो उतना अच्छा ग्रिप नहीं बनाता है, सो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज अ कवर केस, और अगर आप कवर केस यूज करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज अच्छा नहीं लगा इस स्मार्टफोन का कि ये 34,000 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था और इतना प्राइस लेने के बावजूद भी इसमें आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। खैर, ये OnePlus का कोई नया चीज नहीं है क्योंकि OnePlus का 11R जो 40,000 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था उसमें भी आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलते हैं, तो इसमें तो मिलेंगे ही। बट इस प्राइस रेंज के जितने भी अदर कंपनी के स्मार्टफोन आते हैं ना, बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाएंगे और मेटल फ्रेम जो होता है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है, गिरने पर स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखता है। अच्छा, OnePlus की एक स्ट्रैटेजी मुझे सच में उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि OnePlus के Nord सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन हैं, मतलब OnePlus Nord CE 3, OnePlus Nord CE 3 Lite, OnePlus Nord 3, ये तीनों स्मार्टफोन अगर आप देखोगे तो तीनों के डिजाइन आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। मतलब इसका OnePlus Nord CE 3 Lite जो कि 20,000 के करीब करीब में मिलता है उसका भी डिजाइन, और 34,000 या 30,000 के स्मार्टफोन का डिजाइन, दोनों का सेम टू सेम देखने को मिलेगा, और इसके 25,000 के स्मार्टफोन का भी डिजाइन एक ही जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा है कि जब आप ज्यादा पैसा ले रहे हो तो यू शुड गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू योर बायर सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 20,000 रुपीज स्मार्टफोन एंड 30,000 रुपीज स्मार्टफोन। खैर, सबको पता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सैमसंग को फॉलो कर रहा है क्योंकि एक साल में सैमसंग जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है ना, ज्यादातर स्मार्टफोन के डिजाइन आपको एक ही जैसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि 2023 में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए सैमसंग के, सारे के डिजाइन आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 जैसा ही देखने को मिलेगा, और ये चीज मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। खैर, जो भी हो, इस स्मार्टफोन का डिजाइन मुझे सच में अच्छा लगा है। अच्छा, एक फनी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये स्मार्टफोन मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। तो उसे जब मैं लिया ना रिव्यू करने के लिए, तो वो मेरे को बता रहा था कि इसका जो दूसरा फ्लैश लाइट है ना नीचे वाला, वो कभी ऑन ही नहीं होता है। तो मैंने भी कोशिश करके देखा तो ऑन ही नहीं हुआ। फिर मैंने OnePlus की वेबसाइट पे सर्च किया तो पता चला कि ये एक एम्बिएंट सेंसर है और एग्जैक्टली फ्लैश लाइट जैसा ही दिखता है। तो बता देना चाहता हूँ कि एम्बिएंट सेंसर जो है ना, उसमें लाइट नहीं जलता है। ये क्या करता है कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन का ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है और कलर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बाकी और कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्मार्टफोन का, वह है OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर। इसमें आपको 3 मोड देखने को मिल जाता है, म्यूट, वाइब्रेशन और रिंगटोन वाला मोड।
ये सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसको स्लाइड करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब आईफोन 15 प्रो के एक्शन बटन से तो ज्यादा अच्छा लगा है मुझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी एंड चार्जिंग कैपेसिटी। ये स्मार्टफोन 5000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ आता है विथ 80 वॉट फास्ट चार्जर, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा फास्ट आपके स्मार्टफोन को चार्ज करेगा। मैंने अपने यूसेज में पाया है कि 15 मिनट में ये स्मार्टफोन 60% से भी ज्यादा चार्ज हो जाता है और सच में ये बहुत ही क्रेजी नंबर्स हैं। और अगर आप 100% चार्ज करोगे ना तो करीब करीब आधा घंटा या कभी कभी उससे ज्यादा लग जाता है, तो बहुत स्पीड चार्ज कर देता है आपके स्मार्टफोन को। और बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 7-7.5 घंटा का आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। दैट मींस आप फुल डे इस स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो बिना दोबारा चार्ज किए हुए। और एक और चीज मैंने नोटिस किया है कि अगर आप 120 हर्ट्ज को छोड़कर 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाते हो तो 60 हर्ट्ज में ये स्मार्टफोन आप एक दिन से ज्यादा चला सकते हो, ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देगा। सो अगर आप कहीं जा रहे हो और डर है कि जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगा तो 60 हर्ट्ज पे स्विच हो जाना, बहुत ज्यादा देर तक बैटरी चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का मुझे सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। अगर आप इसके बेजल्स देखोगे ना तो आपको इतने थिन बेजल वाले स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में तो देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे वो नथिंग के फोन ले लो या सैमसंग के या फिर रेडमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी फोन उठा लो, आपको इतना थिनेस्ट बेजल वाला स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखेंगे ना तो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 4K वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में और कलर बहुत प्यारे आते हैं। और सिर्फ कलर ही नहीं, इसका स्पीकर का भी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है और बेस भी इसके आपको अच्छे लगेंगे, मतलब चीप क्वालिटी का स्मार्टफोन आपको नहीं लगेगा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और OnePlus दावा करती है कि इसमें आपको ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्टेड है ही, बट इसका जो बैक ग्लास है वो ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि वहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बट डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो प्लेसमेंट है उससे मुझे थोड़ा शिकायत है कि ये बहुत ही ज्यादा नीचे है, सो कभी कभी ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है और ये छोटी छोटी चीजों में ना यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है। सो OnePlus को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इसको ऊपर रखते ना तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता। बाकी डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है, डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, आउटडोर सनलाइट में भी आप यूज कर सकते हैं, वैसा कोई खास प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अ स्टोरी कि वीडियो का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मतलब जहां मैं प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको मैंने दोबारा शूट किया है 2 दिन बाद, जब मुझे एडिटिंग के वक्त पता चला कि इसका ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि एक वीडियो क्रिएटर को हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो इट्स नॉट न्यू फॉर मी, बट मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। तो जितना भी दिन मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया है मुझे परफॉर्मेंस अच्छा मिला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने की वजह से ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा इफिशियंट है, मतलब कि कम बैटरी कंज्यूम करता है और कम बैटरी कंज्यूम करके भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इस स्मार्टफोन से मैंने गेमिंग करके देखा है, मतलब कि BGMI मैंने खेला और BGMI में मुझे कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। स्मूथ 90 FPS पर आप BGMI खेल सकते हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, जब आप BGMI 1 घंटा से ज़्यादा खेलोगे ना तो थोड़ा सा ये स्मार्टफोन हीट प्रोड्यूस करता है। वैसे हीट तो नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रोसेसर है, बट हाँ प्रोसेसर उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सो हाँ, मतलब कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, मैंने इस पर Asphalt 9 भी खेल कर देखा, वहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। सो कैजुअल गेमिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो, डे टू डे टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि वेब स्क्रॉलिंग हो गया, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो गया या फिर वीडियो वगैरह देखना हो गया, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इफिशियंट होने की वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। देखो OnePlus वाले ना बहुत ज्यादा होशियार हैं, कैमरा को ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि ज्यादातर लोगों को इस स्मार्टफोन का कैमरा बहुत पसंद आने वाला है।
खैर हाँ, जो टेकी पीपल हैं उनको ये स्मार्टफोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वे लोग इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो फोटो में कलर है वो बहुत ही ज्यादा बूस्टेड है। मैंने इस स्मार्टफोन से बहुत सारे फोटो कैप्चर किए हुए हैं और सारे में मुझे एक ही जैसा रिजल्ट देखने को मिला। सारे में आपको कलर जो है ना थोड़े बूस्टेड देखने को मिलेंगे, रेड को बहुत ज्यादा रेड करके दिखाएगा, ब्लू को बहुत ज्यादा ब्लू करके दिखाएगा, इस तरीके के आपको थोड़े से बूस्टेड कलर देखने को मिलेंगे। और ये चीज फ्रंट कैमरा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरे को इसने कितना ज्यादा गोरा करके दिखा दिया है, जबकि मैं वैसा हूं नहीं। और ये चीज मेजोरिटी ऑफ पीपल को ना बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, खास करके इंडियन ऑडियंस को। और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही इन लोगों ने इस कैमरे को ऐसा डिजाइन किया है। अच्छा, जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना तो मुझे याद आया कि इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो तो सेम ही है जो कि OnePlus 11R में है, सोनी का IMX890। बट इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे डिफर कर सकता है? फिर मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे और एक वीडियो में मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ OnePlus 11R ही नहीं, OnePlus 11 में भी सेम कैमरा है, OnePlus Nord CE में भी सेम कैमरा है और OnePlus Nord CE 3 में भी सेम कैमरा है, और सारे के रिजल्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसा कि इस वीडियो से मुझे पता चला है। खैर, मैंने पर्सनली इन सारे स्मार्टफोन को यूज नहीं किया है, बट हाँ, YouTube पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं इससे रिलेटेड कि इन सारे स्मार्टफोन के कैमरे एक जैसे होने के बावजूद भी रिजल्ट आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन एक ही ब्रांड लॉन्च कर रही है और अलग अलग प्राइस पॉइंट पर, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेगा ही। और प्रोसेसर अलग होने की वजह से भी स्मार्टफोन की इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज अलग दिखता है, और ये चीज यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सो फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस स्मार्टफोन का कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, और ये चीज मैंने फ्लिपकार्ट के रिव्यू पर भी देखा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कैमरे के बारे में लिखा हुआ था कि कैमरा इस स्मार्टफोन का उतना अच्छा नहीं है। खैर, अगर आप बहुत ज्यादा गीकी नहीं है, बहुत ज्यादा टेकी नहीं है, तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। बट हाँ, मेरे इस बात से ज्यादातर लोग एग्री करेंगे, अगर आपने कभी कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज किया है या फिर सैमसंग का भी 30,000 के रेंज का स्मार्टफोन यूज किया है, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखो, नॉर्ड 2 तो बहुत फटा है, नॉर्ड 3 के उतने केस देखने को नहीं मिले हैं। और अगर आप नॉर्मल टास्क करते हैं, डे टू डे टास्क, या फिर सोशल मीडिया स्क्रोल करते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो ये स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप आपको दे देगा, मतलब 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, उससे आप स्मार्टफोन को बहुत ही क्विकली चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसको देखकर आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। बट आप कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैं इस स्मार्टफोन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फिर आपको कोई और स्मार्टफोन लेना चाहिए जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। That's all about this video. Salam. My name is Shakir and I'll see you in the next one.